बुंदेलखंड न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ रूम से मैं साहिबा बानो। चलिए ले चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आज के दौर पर जब हर विषय में हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता का एंगल खोजने और उसे भुनाने की होड़ लगी है, एक शख्स ने अनोखी मिसाल पेश की है। बेंगलुरु के एक मुस्लिम व्यक्ति ने एक हनुमान मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए करीब 80 लाख से 1 करोड़ के बीच की जमीन दान की है। इस शख्स ने 1.5 गुतास जमीन दान में दी है। 1 एकड़ में 40 गुतास होते हैं। डेक्कन हेरॉल्ड की रिपोर्ट के अनुसार कार्गो बिजनेस से जुड़े 65 साल के HMC वशा ने मंदिर के लिए अपनी जमीन दान कर कई लोगों के दिल जीत लिए हैं। बेंगलुरु के कांडुगोडी के बेलाथुर के रहने वाले वशा परिवार के पास होशाकाटे तालुक के बलागेरुपुरा के एक छोटे हनुमान मंदिर से ठीक करीब 3 एकड़ की से ज्यादा जमीन है। 3 दशक से ज्यादा समय से यहाँ श्रद्धालु पूजा के लिए आते हैं। हालांकि बसा को ऐसा महसूस हुआ है कि वहाँ जगह कम है और श्रद्धालुओं को मंदिर में कम जगह होने की काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बसा के अनुसार इसी दौरान गांव वालों ने मंदिर के पुनर्निर्माण की भी योजना बनाई, लेकिन उनके पास पर्याप्त जगह नहीं थी। उन लोगों ने इस बारे में जब मुझे बताया तो मैंने 3 एकड़ में से 1.5 गुतास जमीन दान करने का प्रस्ताव दिया। यह जमीन बेहद अहम स्थान पर स्थित है। इसके ठीक पास से ही ओल्ड मद्रास रोड भी गुजरती है। बसा ने बताया कि उनके फैसले से उनके परिवार वाले भी सहमत हैं। बसा ने कहा, आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे। हमारा जीवन अनिश्चितता से भरा है। ऐसे में एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने से क्या मिलेगा। बलहार जमीन मिलने के बाद भी बिरांजेन स्वामी देवालय सेवा ट्रस्ट ने मंदिर के पुनर्निर्माण के काम को आगे बढ़ा दिया है। इसमें करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बसा ने योगदान को बताने के लिए गांव वालों को मेन रोड के करीब एक पोस्टर भी लगाया है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज़ 24।